छत्तीसगढ़ में साझा विधानसभा से चुनाव जीतने वाले ईश्वर साहू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जहां शपथ ग्रहण हो रहा है वहां उनका कितना माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एलईडी पर देखिए, ईश्वर साहू इधर हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाने के बाद जो पब्लिक यहां पर आई है देखने वाली, उनको दिखाऊंगा मैं। उधर देखिए, उस तरफ का नजारा देखिए, ये सभी के सभी ईश्वर साहू को देखने के लिए आए हैं। जब ईश्वर साहू ऊपर से हाथ हिलाता है तो ये सब इधर से हाथ हिलाने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? ईश्वर साहू, ये यही माहौल आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए, जब भी हाथ हिलाते हैं ईश्वर साहू मन से हाथ हिलाएंगे और इधर जो समर्थक है वो खुश हो जाते हैं। यही नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भैया, आप तो काफी समय से देख रहे हैं, एलईडी में दिख रहे हैं ईश्वर साहू, उसके बाद क्या नजारा हो जाता है? इधर नजारा भगवामय हो जाता है ईश्वर साहू के लिए, भाजपा में। हाँ, मतलब बहुत बड़े लीडर बनने जा रहे हैं। बहुत बड़े लीडर, एक गरीब तख्ता से उठ के जो लीडर बने भाजपा के। भाजपा ऐसी एक पार्टी है जो जमीन से उठा के आसमान में चढ़ाती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जमीन के कार्यकर्ता को बुलंदी में बैठाती है। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत सिंह है, रायगढ़ से आया हूँ मैं। ये जी, ये ईश्वर साहू जी जो है ये एक संघर्ष की कहानी है। हाँ। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक गरीब किसान, एक रिक्शा चलाने वाले को भी उनके बेटे के साथ जब अन्याय हुआ और छत्तीसगढ़ शासन ने उससे न्याय नहीं किया तो उसको न्याय दिलाने के लिए भाजपा ने उनको टिकट दिया और वहाँ की जनता ने उनके साथ न्याय करते हुए उनको आज विधायक बनाकर यहाँ पर भेजा है। बीजेपी के जीत में ईश्वर साहू की कितनी बड़ी भूमिका? ये पूरी जीत ईश्वर साहू जी की है। 7 बार के विधायक, मोदी जी आगे लगते हैं। हाँ, मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतर रहे। आप बताइए, बीजेपी की जीत में ईश्वर साहू की भूमिका कितना है? हर एक की भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है ईश्वर साहू जी की भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामदेव यादव है। अच्छा, ईश्वर साहू को जानते हैं? जानता हूँ। कौन है? साझा ब्लॉक से विधानसभा से लड़ा है। हाँ। का भी जीत गए? जीत गए। मंत्री बनना चाहिए उनको? अभी फिलहाल मंत्री के लिए लायक नहीं है अभी। अच्छा, अभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, पहली बार आए हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको राजनीति में। अच्छा, आप लोग तो बीजेपी पट्टा लगा के आए हैं, क्या नाम है? सूर्य यादव। ये बताइए, ईश्वर साहू को देखे? हाँ, देखा हूँ। देखा हूँ। मिले हो? मिला नहीं हूँ। मिले नहीं? नहीं। कहाँ के हो आप? कोटा। कोटा जी। ईश्वर साहू के बारे में क्या सुना था? सुना था गरीब परिवार से करके। हाँ हाँ। अभी मंच में हाथ हिलाते हैं तो इधर से आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है, ईश्वर साहू दिख गए करके। तो अच्छा लगता है ना, गर्व महसूस होता है। हाँ। कि आज गरीब परिवार के विधायक बना करके। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की जो जीत हुई है उसमें ईश्वर साहू की भूमिका को कैसे समझते? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा है, गरीब परिवार से है, हर गरीब चाहता है कि गरीब आदमी आके जाके मतलब अपना वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे करके। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? कमल नारायण साहू। एकदम चुप हो यार आप, क्या बताएं यार। आप बताइए। गोपाल वर्मा। अच्छा, ईश्वर साहू को देखे? देखे, लेकिन उनको उतनी जानकारी बहुत, मैं दर्शन वाला ना। ये सब ईश्वर साहू देखने आए क्या भैया? प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं। अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पहली बार देखूंगा उनको। हेलीकॉप्टर आ गया है? हेलीकॉप्टर आ गया उनका? ना, अभी तो आया, मैं देखा ना, लेकिन ये ईश्वर की परम दया है कि उनको देखने को मिल रहा है। और ईश्वर साहू को जानते कि नहीं? ईश्वर साहू को मैं उसमें देखा हूँ, क्या बोलते हैं, आपके मोबाइल में देखा हूँ। ये हम सबका सौभाग्य कि ऐसा व्यक्ति आ गया। तो ये देखिए, मंच पे अमित शाह पहुंच गए हैं और योगी भी पहुंच गए हैं, स्क्रीन में देखिए। और इनको, इन बड़े नेताओं को देखने के लिए यहाँ कितनी भीड़ आई है, सब हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और यही नजारा आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और ईश्वर साहू को भूल नहीं सकते। इधर आ जाइए, लाइट कम, इधर आइए। अरे लाइट कम है दादा। अरे अरे अरे, क्या हो गया पैर को? पैर मेरा फ्रैक्चर है भैया। मैं जगदलपुर बस्तर जिला से आया हूँ और मेरे विधायक किरण देव जी हैं, हम सभी शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होने आए हैं। आप ईश्वर साहू जी के बारे में पूछ रहे थे। ईश्वर साहू जी ने तो एक तरफा पूरे विधानसभा का रुख मोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ का। और हमारे सबसे मजेदार बात ये बताऊं आपको, दीपक बैज जो पीसीसी चीफ थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसको हराने का काम चित्रकूट विधानसभा से विनायक गोयल ने किया है। एक भी उसमें चरण में उनको लीड लेने का नहीं दिया, उनको 10,000 के समथिंग वोट से हराया दीपक बैज को। वो मंडल अध्यक्ष है वो विनायक गोयल जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटे गरीब लोग हैं वो भी बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ताओं की जीत है भैया, कोई हाई प्रोफाइल नहीं जीता है, कार्यकर्ता एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता जीता है भैया। मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं भी कार्यकर्ता विधायक और मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता हूँ। विष्णुदेव साय जी जो एक बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व है, कोई सोच नहीं सकता था, आज वो हमारे मुख्यमंत्री है। हमारे छोटे जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत गर्व की बात है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है बीजेपी के लिए जी। मैं इसको समझा देता हूं आपको कि एक कार्यकर्ता कह रहा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें गरीब और कार्यकर्ता विधायक और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और मुझे भी यकीन है, कार्यकर्ता कह रहा है कि मुझे भी यकीन है एक समय में मैं विधायक बनूंगा और मुख्यमंत्री बन सकता हूँ।